नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आज 8 फरवरी को मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के अनुशंसा पर प्रीतेश शुक्ला की अगुवाई में विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली, प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन भोपाल, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल को कलेक्टर रीवा के माध्यम से सौंपा गया ज्ञापन। ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए प्रत्येश शुक्ला ने बताया कि 1948 में गठित विंध्य प्रदेश का 1956 में मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया था। तब से संपूर्ण क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से अलग है। यहां प्रचुर प्राकृतिक खनिज संपदा, मानव संसाधन और मध्य प्रदेश के राजस्व में बड़ी हिस्सेदारी के बावजूद क्षेत्र विकास के मामले में अत्यंत ही पिछड़ा है। रोजगार के अवसर ना होने से युवा पलायन को मजबूर है। उच्च शिक्षा और चिकित्सा के संस्थानों का भी नितांत अभाव है। जनता जनार्दन के माध्यम से मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री से हमारा विंध्य हमें लौटा दो पर एकजुट प्रतिबद्ध संकल्प होने का विचार प्रकट किया। पत्रकार वार्ता में अपनी बात रखते हुए प्रीतेश शुक्ला ने कहा कि पृथक विंध्य प्रदेश के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि विंध्य क्षेत्र अपनी प्रचुर प्राकृतिक खनिज संपदा, मानव संसाधन का समुचित उपयोग कर विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके और विंध्य प्रदेश के रहवासियों का जीवन स्तर उन्नत हो सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे सदस्य आलोक सिंह परिहार, ऋषभ तिवारी, रवि सिंह, सिद्धार्थ सिंह, राजू जी, आशीष सिंह बघेल, उमेश शुक्ला, अवनीश त्रिपाठी, योगेंद्र दुबे, विपिन मिश्रा, हाफिज जी, सत्येंद्र, जावेद एवं अन्य लोग सम्मिलित रहे। रीवा से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। ज्ञापन ज्ञापन दे रहे हैं पृथक विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को लेकर। हम माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और हमने ज्ञापन कलेक्टर साहब को दे दिया और हमने ज्ञापन में हमने दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल जी को, माननीय आपको मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और माननीय राज्यपाल जी सांसद जी वाले मामले में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि क्या है, सांसद जी ने आखिर ये माना ना कि विंध्य का विकास हो नहीं रहा है, सड़कों की हालत खराब है, चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, शिक्षा पूरा गर्त में जा रहा है, तो सांसद जी ने तो ये खुद मंच से माना। अब जहाँ तक रही बात विंध्य प्रदेश बनाने का जो मामला है तो उसमें सांसद जी ने कहा कि मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, उनका वो व्यक्तिगत दृष्टिकोण देखिए हो सकता है। और जब इस पक्ष को, इस मामले को जनता चाहती है तो हमको नहीं लगता कि सांसद जी को ऐसा बोलना चाहिए। नाम बता दिया, इसकी रूपरेखा ऐसी रहेगी, हम सब युवा रोड पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और बहुत तगड़े आंदोलन करेंगे, बड़े मजबूत आंदोलन करेंगे। एक एक गांव जाएंगे, एक तहसील जाएंगे, एक विधानसभा जाएंगे, एक जिला जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि वो हमारे आंदोलन में हमारे साथ खड़े हों और हमारे पुनर्विकास का निर्माण। नाम बता दीजिए भैया। मेरा नाम प्रीतेश शुक्ला।